दोस्तों, यादव गोट फार्म में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं हमारी बकरियां कितने मजे से चर रही हैं। देसी बकरी पालन बिल्कुल आसान हो जाता है अगर आपके पास चराई का जगह हो। आप लोग देख सकते हैं उधर भी बहुत बकरियां उधर है चर रही हैं और इधर चर रहे हैं, बहुत जगह खाली, स्पेस पूरा खाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि बकरी पालन करें, तो अगर चराई पर रह के आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपको जगह थोड़ा सा चाहिए, स्पेस जगह खाली चाहिए ताकि बारहमास बकरियाँ उस पर चढ़ सकें। हमारे पास नहर है और नहर का व्यवस्था है, नहर पे भरपूर चारा मिलता रहता है सालों भर। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं नहर, देखते हुए देखिए नहर सामने दिख रहा है। अभी खेत में चर रही है, जब इसमें पानी भर जाएगा तो नहर पे चराई करना चालू कर देंगे। देसी बकरी को अगर इंस्टॉल फीड पर आप रखते हैं तो उतना मुनाफा नहीं होगा जितना चराई पर होगा। चराई पर बिल्कुल खर्चा नहीं। अगर आपके पास खसी बकरे होंगे तो उन्हीं को शाम को थोड़ा सा दाना खिलाना पड़ता है, गेहूँ खिलाता हूँ मैं 100 ग्राम सबको। इलाज उला के कहा जाए तो देसी बकरी अगर चराई पे आप चराते हैं, चरा के रखते हैं बकरियों को, तो बिल्कुल डबल से भी ज़्यादा मुनाफा होने वाला है। जो है सब मुनाफा ही मुनाफा है, क्योंकि अलग से मेडिसिन का भी उतना खर्चा नहीं आता है, क्योंकि इन लोगों का तबीयत बहुत कम ख़राब होता है। 7-8 महीने हो गए हमको रखते हुए, लेकिन ऐसा कोई समस्या नहीं है कि डॉक्टर को बुलाना पड़े। थोड़ा सा पेट का प्रॉब्लम और पतला पैखाना और थोड़ा सा गैस उसका प्रॉब्लम होता है, तो जो मेडिकल में मिलता है आदमी के दुकान में जो दवा मिलता है वहीं से ला लेते हैं, बकरियों को खिला लेते हैं, ठीक हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को भी दबाइएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।